तो दोस्तों, अभी ये खबर जो है काफ़ी पुरानी हो गई है कि भारत को जो है S-400 जो मिसाइल डिफेंस है उसके कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो सप्लाई होने शुरू हो गए हैं, और बहुत जल्दी जो है इसके बारे में भी स्पष्टता हो गई है कि भारत जो है सबसे पहले अपने पश्चिमी किनारे पर यानी कि पाकिस्तान से लगती सीमा के आसपास जो है सबसे पहले S-400 को तैनात करेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर ये S-400 पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर पे कहीं तैनात होता है तो भारत का अच्छी तरह से नियंत्रण रहेगा पूरी स्थिति पर। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी कार्रवाई का जो है भारत को ठीक तरह से अंदाज़ा रहेगा, सारे मूवमेंट को मैप करके जो है और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाना या अपने एसेट्स को यहाँ वहाँ रिलोकेट करना यह बड़ा आसान होगा भारतीय वायुसेना के लिए। तो उस हिसाब से बहुत बड़ी खबर। और विशेष तौर पर जो भारत के सामने टू फ्रंट वॉर की एक स्थिति उत्पन्न हो रही है, दोनों जो लाइन ऑफ कंट्रोल अपना पाकिस्तान के साथ है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ है, दोनों पर जो है तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सेना जो है वो चाहे कि कम से कम किसी एक तरफ जो है वो निश्चिंत वो रह सके, और वो निश्चिंतता जो है वो अपने इनिशिएटिव पर हो। मतलब एक तो निश्चिंतता इस बात से हो सकती है कि कुछ समय के लिए कोई सीज फायर या कोई अग्रीमेंट हो इस तरह का, लेकिन उसमें आप हमेशा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाले को पता है कि भारत की स्थिति जो है थोड़ी सी एक्सप्लॉयट करने लायक है। तो इसलिए जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, कोई धोखा कर सकते हैं। तो इसलिए भारत के पास अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है S-400 जैसे, जिसमें कि लॉन्ग रेंज रेडार्स हैं जो 600 किलोमीटर दूर तक जो हैं सभी गतिविधियों को भाप करके जो है अच्छी तरह से टाइमली भारतीय सेना को सतर्क रखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो है वो काफ़ी हद तक जो है भारतीय सेना का नियंत्रण रहेगा पूरी स्थिति पर, और वो पूरी तरह फोकस कर पाएगी चाइना बॉर्डर पर, क्योंकि वो स्थिति जो है वो ज़्यादा क्लिष्ट है, ज़्यादा बड़े पैमाने पर है और माउंटेनियस रीजन में होने के कारण जो है वो ज़्यादा एक मुश्किल का कारण बन सकता है। दूसरा जो मुद्दा है वो ये कि जो है अमेरिका, हमने कल भी बात की थी कि अमेरिका से जो है वो लगभग 30 की संख्या में जो है वो प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने की बात हो गई है, और ये बड़ी भारी भरकम रकम में जो है ये खरीदने की बात हो रही है। तकरीबन 21,000 करोड़ यानी कि तकरीबन $3 बिलियन के आसपास का जो है खर्च करने की बात हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि अमेरिका जो है वो उसने ये भी कहा कि भारत में ही जो है वो मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए जो है कोई सेंटर बना देगा, जिससे कि भारत और आसपास के जो इलाके हैं जैसे पश्चिम एशिया वगैरह में अगर जो भी देश अमेरिका के इस ड्रोन को इस्तेमाल करते हैं, या इवन कुवैत वगैरह में अमेरिका खुद ही जो है अगर इस ड्रोन को इस्तेमाल करता है तो वो सारे जो मेंटेनेंस और रिपेयर के काम है वो शुद्ध रूप से भारत में हो सकेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत को एक तरह से एक परमानेंट कस्टमर के रूप में जो है वो मतलब एक तरह से बांधने की कोशिश है। लेकिन मेरा ये मानना है, मतलब सभी परिस्थितियों को देखते हुए मेरा ये मानना है कि इसकी ज़रूरत तो है, मतलब जो सी गार्जन हो मैरिटाइम डोमेन के लिए, चाहे प्रेडेटर ड्रोन्स हों और वो भी आर्म्ड वर्जन जो है, इसकी ज़रूरत तो है भारत को। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस खरीद में एक ये भी मसला है कि S-400 खरीदने के बाद जो अमेरिका की आपत्ति हो सकती थी कि आप रशिया से इतना एक हाई टेक्नोलॉजी हाई एंड टेक्नोलॉजी आप वेपन सिस्टम खरीद रहे हैं, तो उसको जो है थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए भी जो है भारत मेरे ख्याल से इतनी बड़ी डील करने जा रहा है। क्योंकि जैसा हमको पता है कि भारत का जो रुस्तम 2 है जो कि एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो कि तकरीबन 24 घंटे तक 30,000 की ऊंचाई पर जो है उड़ान भर सकता है, तो ये काफ़ी सफिशियंट है। मेरे ख्याल से 2022 के अंत तक जो है इसके इंडक्शन की बात अभी तक समझ में आती है। लेकिन फिर भी और ये भी है कि अगर अगर इस साल जो है अमेरिकी ड्रोन के लिए कोई अग्रीमेंट साइन होता है
ज़ाहिर सी बात है कि वो भी जो सप्लाई है, वो भी जो डिलीवरी है, वो कम से कम 2022 के अंत में ही कहीं शुरू होगी। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें एक बैलेंस आउट करने की बात है। और अगर ऐसा है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से सारे रिश्ते नाते जो हैं वो सभी देश उसको मैनूवर करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है फिलहाल।